कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार 10 दिन से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर ने बताया कि राजू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, वे पूरी तरह ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर परिवार के सभी लोग दिल्ली एम्स पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। इस बीच राजू की पत्नी शिखा ने बताया, उनके पति की हालत स्टेबल है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हमें उन पर भरोसा है और राजू भी एक फाइटर हैं, वह जरूर इस बैटल को जीतेंगे और एक बार फिर आप सभी को एंटरटेन करेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। शिखा ने अपील की है कि लोग उनके पति की सेहत के बारे में अफवाहें उड़ाना बंद करें। राजू के पीआरओ गर्वित नारंग ने बताया, हालत स्थिर बनी हुई है, ब्रेन में संक्रमण पर डॉक्टर ने थोड़ा काबू पाया है, फिलहाल सभी ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं, ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट जरा भी नहीं है। राजू के पीआरओ गर्वित नारंग ने बताया, बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे उनका सिटी स्कैन किया गया, उनके ब्रेन के ऊपरी हिस्से में सूजन और पानी मिला, उनको लगातार दौड़े पड़ रहे हैं, डॉक्टर उनकी हालत को क्रिटिकल बता रहे हैं। गुरुवार रात को स्थिति कुछ कंट्रोल में आई है, उनकी बॉडी में पहले के मुकाबले मूवमेंट अब बेहद कम हो गया है। रिपोर्ट आई है।